सो गाइस, क्या वीडियो पे क्लिक कर लिया और आप भी पैसा कमाना चाहते हो यार, तभी तो वीडियो पे क्लिक करा है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार पैसे कैसे कमा सकते हो सोशल मीडिया पे विदाउट इन्वेस्टमेंट। देखो, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको 3 से 4 या 5 जितने मेरे दिमाग में तरीके आएंगे, मैं अभी सोचते सोचते बनाऊंगा और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीधी बात है, वीडियो को एंड तक देखना है और इस चैनल पे बने रहना है इस वीडियो के साथ, क्योंकि यार ये कंटेंट यही मिलेगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार वे जिससे आप पैसे इजीली अर्न कर सकते हो, पर मेहनत लगा के। पैसा फ्री में नहीं आता, सीधी बात है, पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बिना काम करे पैसे नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाओ, ये थी मेरी ट्रिक, तो दबाओ जब तक मैं कंटेंट लेके आया। सो गाइस, मैं ये नहीं कहूँगा द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे, द बेस्ट वे, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे को पता है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी 2 सेकंड पहले बोल के गया था, कर लो यार, 1 सेकंड भी नहीं लगता करने में। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियोज बनाने की, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की। तो गाइस, यूट्यूब पे वीडियो बनाना देखो बहुत सारा आसान काम है, तो यार आप उसको लेजिटली यार उसको रेफर कर सकते हो यार मेरे हिसाब से। देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए लेकिन आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास एक हुनर है, एक टैलेंट है, या आजकल तो हुनर नहीं भी है लेकिन आप आजकल यूट्यूब से चीज़ें सीख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट एंड अ वेरी अर्ली स्टेप बेस्ट वे कह सकते हो। तो काफ़ी पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, छोटी एज की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सबसे स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से यूट्यूब अच्छा है। और YouTube पे आज की डेट पे शॉर्ट्स चल रही है, शॉर्ट्स भी आप डाल सकते हो और YouTube पे आप कंटेंट बना सकते हो। देखो, कंटेंट चलता है क्योंकि दम होता है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। सही बात है कि आप मेरी वीडियो पे क्लिक कर आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि मेरे कंटेंट पे दम है, वरना आप अभी तक छोड़ के चले जाते हैं। चलो, कोई बात नहीं। देखो, YouTube पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस YouTube एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए आपके पास। और आपके पास, मैंने देखो भाई, मेरा कोई कैमरा मैन नहीं है, मैंने भी किसी लैपटॉप या ऐसे किसी चीज़ पे अटका के मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये सिर्फ फ़ोन के फ्रंट कैमरे से कर रहा हूँ। आज से 4 साल पुराना कैमरा फ़ोन, मतलब फ़ोन 4 साल पुराना है, तो 4 साल पहले कर रहा हूँ, प्लास्टिक चेयर पे बैठ के कर रहा हूँ। इससे पहले सोफे वाली चेयर पे बैठता था, पर हाँ, थोड़ा सा लाइट वाइट चेंज करके तो उसको हटाना पड़ा। पर मैं ये बात नहीं कर रहा, अपने टू रूल की बात कर रहा, मैं बता रहा था। देखो यार, एक सिर्फ फ़ोन से भी सारे काम हो सकते हैं। देखो, फ़ोन से ही काम होना है आज के, देखो ऑनलाइन अगर काम करना तो एक नॉर्मल फ़ोन से भी होता है, तुम्हें प्रोफेशनल कैमरा, गेमिंग सेटअप एंड ऑल चीज़ें नहीं चाहिए भाई। फ़ोन पे एडिटिंग हो जाती है, और ये बात को मैं म्यूट कर दूंगा कि हैकिंग भी हो जाती है। और आप ऐसे कर सकते हो यार, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट नहीं भी है तो आपके पास सीखने की चाह होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे सीख के यूट्यूब पे काम कर सकते हो, यूट्यूब पे लोगों को सिखा सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, टेक दे सकते हो, आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग करो, सिंगिंग करो। और यूट्यूब पे क्या, देखिए यूट्यूब पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है रीच के लिए। देखो, जितनी रीच बढ़ेगी ना उतना आपका फेम बढ़ेगा, फेम इन द सेंस आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके इंप्रेशन रेट बढ़ेगा। इंप्रेशन रेट क्या होता है, अगर आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आगे ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा, जैसे मैं पहले भी कंटिन्यू करी है, तो आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहला ये है यूट्यूब वीडियोज बनाना। देखो, यूट्यूब वीडियोज बनाओगे, कमाओगे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मेथड के ऊपर। सो गाइस, अगर मैं दूसरे ट्रिक के बारे में, ट्रिक क्या, दूसरे मेथड के बारे में बात करूँ तो वह भाई फ्रीलांसिंग करना। फ्रीलांसिंग क्या होता है यार, आप आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट है, मैं इधर लिंक्स डाल दूंगा, थोड़ा बहुत आपको बता भी दूंगा, फ्रीलांसर, फाइवर और बहुत सारी है, जो मतलब बेसिकली क्या करती है। फ्रीलांसर का सिंपल सा मतलब है, जब एक बंदे का मन करे वो उस समय के लिए काम करे और उस समय के लिए पैसे कमा ले। देखो, फ्रीलांसर के, देखो आपका जैसे freelancer.com पे गई या fiverr.com का, आपने अपनी डिटेल डाली, आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ये डिटेल डाली, फिर आप अपने प्राइस सेट करते हो, उस प्राइस के रिकॉर्डिंग अगर आपके पास डील आती है और अगर आपको डील पसंद आती है तो उस पर बिड लगाते हो, और बिड लगाते हो अगर आप हो जाते हो तो आपको काम मिल जाता है, फिर आप काम करते हो और फिर आप पैसा कमा लेते हो। देखो, फ्रीलांसर का ये मतलब होता है जब मन चाहे तब कमाओ। अब फ्रीलांसर, मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ टेक में होना चाहिए यार, एडिटिंग कर ली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ली, लोगोस बना ली लोगों के, और बैनर्स वगैरह बना दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें के अंदर जैसे हो सकता है, या कंटेंट लिख दिया, और हम कैसे और अदर फील्ड की बात करें कि आपको टीचर से लिंक्डइन का नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो लिंक्डइन भी एक तरह का ऐसी प्लेटफॉर्म है, बस वो थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज है, और ये
फ्रीलांसर और फाइवर बहुत पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना यार, जब मन करे तब ये एक बेनिफिट हो जाता है यार। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, जिस दिन छुट्टी मिली एक काम उठा लिए, एक दो दिन का करके कर दिया, पैसे आए, फिर वापस कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए। देखो आप ये काम कर सकते हो, और मेरे हिसाब से तो टैलेंट है तो कर सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अदर देन टेक ये वीडियो एडिटिंग वगैरह, किसी को शेफ़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे शेफ़ डाल सकते हो, यार मैं शेफ़ हूँ अच्छा। या किसी को टीचिंग लाइन, टीचर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे टीचर भी डाल सकता है ऐसा पार्ट टाइम। मतलब बहुत सारे क्या है, देखो जॉब अपॉर्चुनिटी या करियर में तो कभी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हाँ यार, आप किसी उसमें भी सेकंड मेथड है उसको बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, ये मेरा मानना है। सो गाइस, मैं तीसरी मेथड से पहले बता देता हूँ, ये जो मेथड है ना यार, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडीएस्ट मेथड है। लॉकडाउन के अंदर ये मेथड शुरू हुआ, मतलब शुरू तो बहुत पहले का था, लेकिन लॉकडाउन के अंदर मतलब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और आज की डेट में ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। मैं बात कर रहा था, देखो वर्ल्ड वाइड तो मैंने पहले दो मेथड बताए थे, वो भी फैला हुआ है, पर ये मेथड बताने से पहले यार एक बात और कर देता हूँ। अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है या आपको पैसा कमाने का ऐसा गेट है कि आप सारी वीडियो देख के जाओगे लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे, अभी के अभी यार लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं करा। तो मैं थर्ड के ऊपर जाता हूँ, मैं बताता हूँ थर्ड के, जो थर्ड मेथड है वो है एफिलेट मार्केटिंग। तो मैं एफिलेट मार्केटिंग समझाऊँ क्या होता है। तो देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अपने आसपास की बात करूँ, तो आपने उमेर कुरैशी का नाम सुना होगा, जो बंदा मेरे जितना ही है, मतलब मेरे से एक डेट लुट रहा है, लेकिन उसने 17 साल की उम्र में मतलब करोड़ों रुपए कमाए जस्ट बाय डूइंग ऑनलाइन बिजनेस एफिलेट मार्केटिंग। और ये बहुत ही बड़ी बात होती है यार, एक ऑनलाइन बिजनेस, एक अब ये आपको एक इंस्पिरेशन देता है, एक मोटिवेशन देता है यार। देखो पैसे आप जैसे मर्जी कमाओ, लेकिन इंस्पिरेशन है कि किसी भी एज में मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हो। उमेर ने मेहनत करी और वो पैसे कमा रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा कमा रहा है, और वो आप कमा सकते हैं, एफिलेट मार्केटिंग है। और शायद मैं आपको बता दूँ, इनका एक कोर्स भी है सुपर एफिलेट सीक्रेट करके, मतलब जहाँ पे आपको ये लाइफ टाइम देते हैं। मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन अमाउंट बहुत कम है, इतना मैं जानता हूँ कि जो अमाउंट है वो मतलब एक बार बताऊँ तो 4 डिजिट का अमाउंट है, और जो वो है वो 4 के टेबल से आगे नहीं जाता, मतलब समझ सकते हो आप। और वो इतना भी नहीं है कि उसमें एक स्मार्टफोन आ जाए, वो इतना है कि उससे एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स आ जाए, तो इतना अमाउंट है 4 डिजिट का, और 999 के टर्म में आखिरी में 7 है। बस मैं इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता, पर हाँ अगर आपको चेक करना है ना इनका सीक्रेट, मतलब इनका जो कोर्स है, इनका एक लाइफ टाइम कोर्स है। ये मेरे को कैसे पता चली आप पूछोगे, तो भाई इन्होंने इनका जो कोर्स है ना वो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 30 डेज़ की, तो 30 मिनट्स की प्रोवाइड करता है डे से। बंदे पागल हो जाते, तूने 30 डेज़ बोला है, दिया 30 डेज़ की ट्रेनिंग ना भाई, 30 मिनट्स की ट्रेनिंग देते हैं ये। जैसे आप इनकी साइट पर जाओगे, अच्छा साइट ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। हाँ, तो जो नीचे दिए हुए लिंक के जाओगे डिस्क्रिप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपने अपना नाम और अपना ईमेल डालना। देखो ईमेल डालना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप इनका एक्सेस लेते हो तो वो ईमेल के थ्रू होता है। तो आपने ईमेल डाला, डायरेक्टली आप चले जाओगे फ्री ट्रेनिंग वाले पेज पे, फ्री ट्रेनिंग वाले पेज पे जाओगे, ट्रेनिंग देखना, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप कोर्स ले लेना। और मैं बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होता कैसे, मैंने ये नहीं बताया। मतलब देखो एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, एक कॉम है समझो, ये $100 की है, और अब मेरे को इसको बेचना है, लेकिन मेरे को इसको अपने लिंक से बेचना है। तो अगर मेरे लिंक से कोई इसको परचेज करेगा तो $100 का कुछ कमीशन, मतलब 50-90% का कमीशन अच्छे प्रोडक्ट में, अच्छे मतलब उसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर। और जैसे कम समझ लो 20-30%, 40% इतना जो होगा इस प्रोडक्ट का आपको मिलेगा, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू उसने इसको बेचा है। तो ये है एफिलेट मार्केटिंग, इट्स अ बेस का ही, किसी प्रोडक्ट को बेचने का आपको कमीशन मिलेगा जिस पर आप अपने एफर्ट्स लगाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एफिलेट मार्केटिंग। जो इनका जो वो है उमेर कुरैशी का जो है, ये तीन मेंटोर है मेरे ख्याल से। तो हाँ, जो इनका जो भी जो प्रोग्राम है आप इसको देख सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में लेगा, चेकआउट कर लेना एक बार। इट्स नॉट स्पॉन्सर, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। देखो मेरे को सही लगा, और मेरे को सबसे पहले बात अफोर्डेबल लगा, तभी मैंने यहाँ पे बताया। देखो
तुम 10-15 हज़ार के कोर्स लेने जाओगे वो तो बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा ख़राब है, पर देखो भाई क्वालिटी हो ना एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस और मेरे को सारी बात पता क्या होती है, एक्सपीरियंस और इंस्पिरेशन की बात होती है। इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ इंस्पिरेशन इतनी बढ़िया कि यार एक 17 साल के लड़के ने करोड़ों पे कमाया है, तो ये है इंस्पिरेशन। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप ट्राई कर सकते हो, वो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। मैं ऐसे बात करूँ कि इसने मेरे को एक स्पॉन्सर करा है, सॉरी भाई। नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कर देना, अगर आपने उनको करना है तो बस थोड़ी मोटी डिटेल डालनी, नाम और ईमेल डालना है। आप उनकी फ़ी ट्रेनिंग ले लोगे, 30 मिनट की फ़ी ट्रेनिंग है, देख लेना, पसंद आए तो ले लेना कोर्स, वरना मेरा क्या, मेरी वीडियो तो आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, तो ये वीडियो तो आप रोज़ ही देखोगे, मतलब नई वीडियोज़ को। तो बलते हैं अपने 4 मेथड के ऊपर, बलते बोल दिया सॉरी, बढ़ते हैं अपने 4 मेथड के ऊपर। तो देखो इस 4th मेथड पे बढ़ने से पहले मैं एक बार बताता हूँ। देखो आपने ऑनलाइन धंधा करना है, धंधा आएगा ट्रैफिक से, मतलब ट्रैफिक दिल्ली और मुंबई वाले ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक का मतलब है जितने लोग आप तक आएंगे, रीच करेंगे, कितने लोग आपके कोर्स पे जाएंगे, जैसे मैं थर्ड वाले उसका एग्जाम्पल लूँ तो हाँ, तो इसको कहते हैं ट्रैफिक। और इसका ही बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स बन जाता है जो हमारा 4th मेथड है, वो है ब्लॉगिंग। मैं सौरव जोशी ब्लॉगिंग फ्लाइंग वी सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग होता है आप कंटेंट लिखो, आप आर्टिकल लिखो, आपके आर्टिकल पे रीच आएगी, आपको पैसा मिलेगा। आप गूगल पे जाते हो, आप सर्च करते हो वाई BGMI गॉड बैंड, कहे टॉप दिखा, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना एक तरह की ब्लॉगिंग होती है। अब उनके ऊपर आप क्लिक करोगे, इनके आर्टिकल पढ़ोगे तो उनके पास पैसा जाएगा, क्योंकि उनका फ़ायदा है। ऐसा आप खुद भी लिख सकते हो और ऐसा आप लिख के पैसे कमा सकते हो। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप कर सकते हो। देखो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी चीज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। देखो और एक बात बोलूँ, टेंशन मत लेना, मैं सिर्फ नाम के लिए नहीं बता रहा, मैं आगे इनकी वेबसाइट भी लेके आऊँगा जो फ्री और पेड में काम करती है। एक मैंने उमेर कुरैशी की बता दी है, और ब्लॉगिंग के लिए तो भाई एक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आर्टिकल इनसाइडर। और देखो भाई इसके ऊपर आर्टिकल इनसाइडर जो है आप जाके सर्च कर लेना, नॉर्मल बाकी की टर्म्स पढ़ लेना, वही आपके जैसे उस पर ट्रैफिक आएगा तो उसका आपको पैसा मिलेगा। तो हाँ आप ये सारी चीज़ ट्राई कर सकते हो। ये है 4th मेथड ब्लॉगिंग का, एक आर्टिकल लिख के आप टाइपिंग टाइप करके अपना कंटेंट शेयर करके आप पैसा कमा सकते हो। तो बढ़ते अपने 5th मेथड, हाँ 5 हो गए, मैं बोलता 3-4 लेकिन मेरे दिमाग में आता रहा, क्योंकि आप यहाँ तक देखते गए, यहाँ तक देखने का फ़ायदा तो मिलना चाहिए, क्योंकि एक मेथड और बता रहा हूँ, एक नहीं 2 बताऊँगा, रुको। देखो जो मैं 5th और 6th मेथड बताने वाला रहा हूँ वो ना मैं एक साथ बताऊँगा, क्योंकि जो 5th और 6th मेथड वाले लोग होते हैं ना वो मेरे लिए उस कैटेगरी में आता है। देखो पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे की कमी भी नहीं है, लेकिन पैसा आता भाई अच्छा किसको नहीं लगता। लेकिन पैसा आ रहा है तो देखो भाई ऐसे नहीं काम वाम नहीं करना, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करके पैसा कमा ले। तो यही वीडियो है इसके बारे में, है ना, ये वीडियो नहीं है, ये आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। हाँ तो देखो गाइस मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी ऐप के बारे में, वॉक एंड अर्न ऐप के बारे में, कुछ ऐसे ऐप के बारे में कैशबैक। देखो भाई पैसा कमाने का ये मतलब नहीं होता कि तुम पैसा कमा रहे हो। देखो अगर तुम चल के पॉइंट्स कमा रहे हो तो उस पॉइंट से तुम किसी चीज़ पे पैसा का कूपन ले रहे हो, उस चीज़ को फ्री में मंगवा रहे हो, वो भी एक तरह से तुम्हारा पैसा कमाना हुआ, क्योंकि तुम्हारा पैसा बच रहा है, तुम्हारा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट को मंगाने में, उस बस सिर्फ दिन में चल के पॉइंट कमाने की वजह से बस आपको हो रहा है फ़ायदा। तो देखो भाई सीधी बात है, वोकन ऐप की जो डिटेल्स है ना मैं इधर 4-5 ऐप बता दूंगा। देखो सबसे नंबर 1 इंडिया की वो है स्टेपसेट गो। सो गाइस जो स्टेपसेट गो के बारे में आपको बात कर रहा, देखो एक वोकन ऐप है, अच्छे देती है, मतलब 1000 रुपये एक इनका SSG कॉइन देती है, पर आपको फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे नीचे दे गए हुए स्टेप सेट गो के लिंक से साइन अप करोगे तो 5 कॉइन यार ऐसे ही मिल जाएंगे यार, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ स्पॉन्सर नहीं मिलते मेरे को, नहीं तो रोना खेल भाई बहुत रोना दोनों हो गया। देखो स्टेप सेट गो पे आप भागोगे आपको फ्री आईफोन मिल सकता है, और तेज भागोगे तो आईफोन तो चलो टॉप मोस्ट हो गया, मतलब आपको एक घड़ी मिल सकती है, या कुछ ऑफर्स पे आपको छूट मिल सकती है, जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने SSG से ऑफर लगा के मंगवाए हैं जो मेरे कान में भी लगे हुए हैं। और इसकी वीडियो डिटेल देखने के लिए इसका लिंक भी किधर मिलेगा भाई लोग, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यार करना पड़ेगा सब्सक्राइब,
बात बात पे ना मेरी ना मार्केटिंग टेक्निक निकल जाती है, सॉरी, पर कोई बात नहीं। स्टेप सेट गो के साथ साथ और भी काफ़ी सारी ऐप देखने को मिल जाती है, जैसे गो की वगैरह, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं इधर साइड में लिख दूंगा या कहीं पे भी लगा दूंगा स्क्रीन पे कुछ और ऐप्स, लेकिन जो बेस्ट है ना, जो इंडिया की टॉप मोस्ट की बात करते हैं तो वह स्टेप सेट गो, जो अच्छे पे आउट्स देती है। पे आउट्स मतलब गाइस सीधी बात है, वॉक एंड रन करोगे तो पैसे मिलेंगे, मतलब SSG क्वाइन, मतलब सिर्फ मैं स्टेप सेट गो के बारे में बात करो, और भी काफ़ी सारे ऐप तो पॉइंट्स मिलेंगे, सब चीज़ें खरीद सकते हो, डिस्काउंट्स ले सकते हो। देखो डिस्काउंट लेना भी पैसे कमाने की तरीके होते हैं, तुम ध्यान से समझो। तुम एक इस प्रोडक्ट को खींचने जाओगे 1000 रुपये का, लेकिन स्टेप सेट गो से अगर आपने ऑफर लगाया तो 800 रुपये का पड़ जाएगा। 200 रुपये किसके बचे? मेरे बचे नहीं ना, आपके बचे, तो यही है बात वो बस। अब हम बढ़ते हैं 6th मेथड के ऊपर, बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज हो गया बोलते बोलते। तो देखो 6th मेथड है यार, नहीं कमाने पैसे पर थोड़े बहुत आ जाए, अपने पैसे खर्च करने पे और पैसे आए, मतलब क्या बोलेंगे, कैशबैक आए। हाँ तो देखो मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी सारी कैशबैक ऐप्स के बारे में, और मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो कहाँ पे जाके देखनी है आप सबको पता है। इस वीडियो में मैं 76th टाइम बोल रहा हूँ कि लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो अभी मैं करंटली जो यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैश करो ऐप के बारे में, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। देखो बहुत सारी है, मैंने सारी इस्तेमाल करके देखी, लेटी शॉप वगैरह और भी जो होगी मैं 3-4 लगा दूंगा, बाकी सब पर डिटेल वीडियो ले आऊँगा। तो देखो कैशबैक का क्या होता है, आपने स्विगी से खाना मंगवाया 100 रुपये का, डिस्काउंट लगाने के बाद, लेकिन उस पर आपको 50 रुपये का कैशबैक मिल गया, कैश करो अकाउंट में, और फिर क्या, आपका खाना कितने में आया, 50 रुपये में पड़ गया। मतलब आपको पता नहीं मैंने ये कहाँ से इसको स्विगी का खाना बना दिया, पर गए बाय बाय, कुछ टूटा बच गया। देखो भाई क्या बात होती है ना, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करोगे उसका आपको कैशबैक मिलेगा। सपोज़ आपने 200 रुपये की बुक खरीदी, फ़ोन खरीदा 8000 रुपये का, मेरा पता नहीं 8000 रुपये पे इतना क्यों ज़्यादा वजन लगा पड़ा है सुबह से, तो 8000 रुपये का मैंने फ़ोन ख़रीदा, 8000 का फ़ोन का समझ लो कुछ 8% कितना हो गया, 160 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ, चलो ऐसे लगा लो यार, अगर आपने फ़ोन ख़रीदा या आपने चलो बुक खरीदी 200 रुपये की, तो कुछ 40 से 50 रुपीज़ आपके पास आ गए। एक एफिलिएट मार्केटिंग ने इसको बस कैशबैक अर्न कर सकते हो, जैसे आपने खरीदा उसके उस ऐप्स के लिंक के थ्रू पे उस वेबसाइट पे गए, पैसे कमाए, और आप मतलब उस आपने ऑर्डर प्लेस करा, कुछ दिन जैसे ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके बाद उसका जो अमाउंट का रिवॉर्ड या कैशबैक था आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर आप 200-250 के लिमिट के पास उसको बैंक अकाउंट, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या अमेजोन गिफ्ट कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये बहुत ईजी मेथड है कमाने का, कुछ भी ना करें, सीधी बात है। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आती हो, पसंद आती है एक लाइक कर देना, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देना, और मैं बहुत सारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह लेकर आते रहूँगा, तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबानी पड़ेगी, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जो जो मैंने आपको लिंक्स बताए थे सारे डिस्क्रिप्शन में हैं, और डिस्क्रिप्शन में 77th टाइम बोल रहा हूँ, हाँ, तो आप जाके उसको फटाफट चेकआउट कर सकते हो, और मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो।